इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेजर और माइनर दोनों में है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले हम लोगों ने चैप्टर लिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ये वाला चैप्टर, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यू हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। संक्रमण धातु संकुल में कार्य करती है, ए ट्रांजिशन मेटल इन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज। तो साथ साथ में हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमसे कह रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, ट्रांजिशन मेटल्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, इस तरीके से होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा होगा तो ये +3 शो करता है, ये +4 मैक्सिमम, ये +5 मैक्सिमम, ये +6 मैक्सिमम, ये +7 तक के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो +7 तक के मतलब है इसके पास वैकेंसी वैकेंसी है, बहुत सारी सारी जगह खाली है। अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, उन जो खाली जगह है वहां पर वैकेंसी पर इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो हमें देखिए पता है कि जो लुईस एसिड होते हैं वो पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो सिंस ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए लुईस एसिड की तरीके से काम करेगा, और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको पता होना चाहिए, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इधर लिख लेते हैं हम लोग, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो इसमें दिया हुआ है, ये तो हमारे आएगा वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, दो तीनों ही आएंगे, ये सिल्वर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाला कौन है, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय, कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ध्यान रखिए कि एमएन तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, फिर एमएन तक ऑक्सीडेशन नंबर एमएन से घटना स्टार्ट होती है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन आता है, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये +3 से शुरू होती है, +3, ये +4 मैक्सिमम जाती है, फिर +5 तक के ये शो करता है, ये +6 तक शो करता है, ये +7 तक शो करता है, फिर इसके बाद घटना शुरू होती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, मैग्नीज शो करता है, जो कि है +7। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला तत्व कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले तो समझ लीजिए क्या होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, और हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करा, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अभी ये क्या है, अनपेयर्ड, इसका कोई पेयरिंग नहीं हुई है, पेयर नहीं है इसका कोई, 2 3 4 टाइप 5, ये 5 क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनकी पेयरिंग नहीं हुई। अब जब छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हमारे चारों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला पूछ रहे हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अनपेयर्ड यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किस में होंगे सबसे ज्यादा। तो देखिए हमें ऑप्शन कौन कौन दिए हुए, Zn2+, Fe3+, Fe3+, Cu2+। तो हम जो सॉल्व करते हैं Zn2+ देखते हैं, Zn2+। अच्छा आपको ट्रिक भी बता देते हैं, देखिए ट्रिक देखिए, हम कहाँ से शुरू करते हैं, स्कैंडियम, टी टी वी कर मे फी कू नी कू जम, ये ट्रिक है याद करने की, याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 4s2, तो सब में आएगा, यहाँ पे क्या आता है 3d1, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लिखते हैं s2 और d1 लिखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास d1, ये आएगा s2, s2 तो सब में होगा, इसमें भी s2 होगा, इसमें भी s2 होगा, इसमें s2 होगा, इसमें s2 होगा, इसमें s2 होगा, इसमें s2 होगा,
इसमें भी एस टू होगा, ठीक है। कॉपर और क्रोमियम जो होते हैं ये एक्सेप्शन है, तो इनमें एस वन होता है। देखिए डी वन हो गया, ये इसमें होगा डी टू, इसमें होगा डी थ्री, इसमें होगा डी फोर, फिर डी फाइव, ये डी सिक्स। एक सेकेंड, यहाँ पे डी फोर ये एक्सेप्शन है, तो डी फाइव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर इसमें आ जाता है। ये डी सेवन, ये डी एट, ये डी नाइन होना चाहिए लेकिन ये डी टेन होता है, और ये डी टेन ये भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए दो प्लस लगे हैं जेड एन के ऊपर, ये रहा जेड एन, इसके ऊपर दो प्लस लगाइए। और हमारे पास एपी है आयरन, इसके ऊपर दो प्लस भी लगे हैं, तीन प्लस भी लगे हैं, अभी हम देखते हैं क्या होगा। फिर कॉपर टू प्लस है, ये रहा हमारे कॉपर, इसके ऊपर दो प्लस लगाइए। अब देखिए इसके ऊपर दो प्लस लगे हुए हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा डी टेन, दस, यानी पूरा पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, तो एक भी अनपेयर नहीं होगा, सभी पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। कॉपर के ऊपर दो प्लस लगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएगा, एक ये डी टेन है, डी टेन से एक निकल जाएगा, डी नाइन बचेगा हमारे पास। और डी नाइन में देखिए, डी नाइन में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया डी कॉपर में, ठीक है। तो कॉपर में हमारे पास आ गया सीओ टू प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एफी देखिए, एफी में अगर दो प्लस लगाए तो दो एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हमारे पास बचेगा डी सिक्स, ठीक है। एक डी सिक्स इसमें बचेगा, तो डी सिक्स का बना लेते हैं इधर, एक दो तीन चार पाँच छ, छ हो गए, ये चार क्या रह जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एफ ई टू प्लस में होंगे हमारे पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और थ्री प्लस में देखिए, तो तीन प्लस अगर हम लगाएंगे, तीन प्लस अगर हम लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएगा, डी फाइव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी फाइव जब हो जाएगा तो पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी टू प्लस में चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, थ्री प्लस में पांच होंगे, जो कि पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि मैक्सिमम होंगे। तो एपी थ्री प्लस क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमसे कह रहे हैं टाइटेनियम थ्री प्लस आयन का संभावित चुंबकीय आघूर्ण क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट का होता है म्यू बराबर एन ब्रैकेट में एन प्लस टू, और ये होता है रूट में, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन बीएम, ठीक है। तो देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन से लिखिए, आर्गन 18 सब में रहता है, बस 4s3d आएगा आपको मिलेगा, तो इसमें 22 है, तो 18 2 20 और 2 22। अब देखिए डी टू है, अब देखिए टाइटेनियम के ऊपर कितने प्लस लगे हैं, थ्री प्लस, तो टाइटेनियम के ऊपर थ्री प्लस लगा दीजिए, तीन प्लस लगाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे, तो ये तो आर्गन 18 ही रहेगा, दो यहाँ से निकाल दीजिए, दो पहले यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 4s0 हमारे पास बचेगा 3d1। अब 3d1 है तो जाहिर सी बात है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो वाला जो होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होगा, एन की जगह पे एक लिख दीजिए, ये एक प्लस दो हो जाएगा बी एन, तो दो और एक तीन हो जाएगा, तीन कम तीन, तो ये हो जाएगा रूट तीन, और रूट तीन का मान याद कर लीजिए 1.732 होता है, तो आप याद कर लीजिए अगर बायो वाले हैं, रूट दो और रूट तीन, रूट दो का मान होता है 1.414, और रूट तीन का मान होता है 1.73, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1.73 वाला, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि कॉपर का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का हमें बताना है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो आर्गन से अगर लिखेंगे आर्गन 18 आएगा, 4s2 होना चाहिए और 3d9 होना चाहिए, 18 2 20 9 29, लेकिन होता क्या है ये एक्सेप्शन है, इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है 3d में, तो ये हो जाता है 4s1 और 3d10, ठीक है। इसी तरीके से क्रोमियम का होता है, याद कर लीजिएगा क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन 18 होना चाहिए था, 4s2 3d5 3d4, लेकिन होता है 4s1 और 3d5, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होते हैं। हमसे कॉपर का पूछा था, तो कॉपर का ए वाला क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 4s1 3d10, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि
चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। एक आप डायरेक्ट रिलेशन याद कर लीजिए, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उसका हाईएस्ट होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग जानते कैसे निकालते हैं, म्यू बराबर एन ब्रैकेट में एन प्लस टू, ये रूट में होता है, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट है। लेकिन हम सबका निकाल के नहीं, हम डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन दिया हुआ है, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर। आयरन को होता है 26, तो इसके पास आएगा याद कर लीजिए 4s2 3d6, इसके पास आएगा s2 3d7, इसके पास आएगा s2 d8, इसके पास आएगा s1 d10। अब हम सबके पास दो दो प्लस लगे हैं तो ये 4s निकल जाएगा, ये बचेगा d6, ये 4s निकल जाएंगे d7 बचेगा, ये दो निकल जाएंगे इसके बाद d8 बचेगा, कॉपर से दो निकल जाएंगे, एक s1 से एक d10 से, और d9 बचेगा। देख लिए किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से जाएंगे d5 है हमारे पास, d में पांच ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो छठा भरेंगे, ये छठा हो गया तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, फिर सात भरेंगे तो तीन ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, आठ भरेंगे तो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, नौ भरेंगे तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास, आयरन 2+ के पास, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं अम्लीय और अस्थायी ऑक्साइड कौन सा है? तो देखिए दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं टंगस्टन मेटल, एक तो अम्लीय बनाते हैं यानी एसिडिक, और एक बनाते हैं बेसिक। जो अम्लीय ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं वो तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर में बनाते हैं, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो आसानी से लोन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड तभी होगा जब हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बेसिक जब कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे बीओ देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, इसकी हम एक्स मान लेते हैं बराबर 0, -2 तो जाएगा एक्स का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। यहाँ पर देखेंगे तो B2O5 है, ठीक है, ये हमारे वेनेडियम की एक्स मान लेते हैं 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो -2 से गुणा कर लीजिए इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, 5 × 10 हो जाएगा, -10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x=10/2 हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 यानी +5। तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 आ रही है। MnO3 में देखिए MnO3, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की होती है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 से गुणा कर लेंगे बराबर 0, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, -6 बराबर हो जाएगा +6 हो जाएगा, यानी Mn के यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +6। तो एसिडिक जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो Mn के ऑक्सीडेशन नंबर हाई है तो Mn हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए दो दो ये निकल जाएंगे, एस से दो डी से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये +4 शो कर सकता है, एस से एक डी से पांच निकल जाएंगे तो +6 शो कर सकता है, एस से दो डी से पांच निकल जाएंगे तो +7 शो कर सकता है। ये कितना लिखा हुआ है, ये भी D5S2 है क्या, तो दोनों है तो दोनों में से कोई सही कर दीजिए, सी वाला मान लेते हैं सही, इसमें सी लगा है, दोनों ही सही है, D5S2 जब दोनों में सेम ऑप्शन। तो 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा मैंगनीज ऑक्साइड बेसिक है, क्षारीय, हमने अभी देखा था ऑक्सीडेशन नंबर जितनी कम होगी उतना बेसिक ऑक्साइड होगा, और जितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की होगी वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। यहाँ पर देखिए MnO दिया हुआ है, ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी XO की -2 उधर जाएगी इक्वल के कितना हो जाएगी +2, तो ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे प्लस उतना बढ़ता जाएगा, तो ऑक्सीजन सबसे कम इसमें है तो प्लस सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें होगी, और यही क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड।